रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ। नाज़रीन, हमेशा की तरह रमज़ान में इस्लाम चैनल उर्दू से हम स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद करते हैं ताकि आप तक रमज़ान का पैगाम पहुँचाया जा सके और हम सब रमज़ान की बरकतों से बे इंतहा फ़ायदा उठा सकें। रमज़ान एक बहुत ही अहम महीना है और ऑलरेडी आज 13वां रोज़ा है। हम तकरीबन निस्फ रमज़ान की तरफ पहुंच चुके हैं और रमज़ान के ख़त्म होने का भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान से फ़ायदा उठाने का मौका दिया है और रमज़ान महीनों में, तमाम महीनों में बेहतरीन महीना है। नाज़रीन, ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव कॉल्स के थ्रू शमूलियत भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज दो इंतहाई काबिल गेस्ट मौजूद होंगे और एक कुकिंग एक्सपर्ट शहनाज़ आपा हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगी, जो एक स्पेशल कुकिंग के साथ यहाँ पे एक स्पेशल डिश के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स के थ्रू कोई भी सवाल अपने रमज़ान के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आपका रमज़ान कैसा चल रहा है, आपने अगर यहाँ पर या पाकिस्तान में रमज़ान गुजारा है तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगा। डॉक्टर हसन खलील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। ये एक थॉट लीडर हैं और थॉट लीडर होने के साथ साथ ऑथर और स्किन कैंसर के सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, इस्लाम चैनल के व्यूज़ के लिए टाइम निकाला। और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा है और आप ऑस्ट्रेलिया में रोज़ा कितना लंबा है? जी, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपको भी रमज़ान मुबारक। तो यूके में भी आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है रमज़ान इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है कि इसमें जो वेदर है, ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है। और दिसंबर और जनवरी में वहाँ पर गर्मियाँ, तो हमारा अच्छा जा रहा है। बहुत लंबा रोज़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, तकरीबन 13 घंटे का रोज़ा है। इसका मतलब तो आपके यहाँ यूके वाले वही मज़े हैं जो हमारे मज़े हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जी। गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। मैं अपनी जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं शहनाज़ आपा, उनसे भी आपको तारुफ करवाता हूँ। शहनाज़ आपा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज क्या स्पेशल कुकिंग हो रही है हमारे लिए? आज स्पेशल कुकिंग मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल और ईजी डिश है, क्योंकि रमज़ान का पहला अशर है। हम लोग ज़रा रोज़े होते हैं शुरू शुरू में, तो भूख ज़्यादा लगती है, तो हम लोग खूब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, समोसे पकोड़े वगैरह, तो हमें उनको ज़रा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें अपनी इबादत में अच्छा हमें टाइम देना चाहिए। रमज़ान के महीने में अपने खूब इबादत करनी चाहिए, अपने आप को खूब थकाना चाहिए, जितना हो सके हमें कुरान और दुआएं वगैरह करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका नाम है चिकन पुलाव। सिंपल वे में बता रही हूँ, चिकन पुलाव। और इसका एक दूसरा नाम यह है कि ये टू इन वन डिश है, टू इन वन डिश। अच्छा, ज़बरदस्त जी। अगर आप पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको पुलाव बनाएं, जब ये यखनी उबल जाएगी तो अगर आपने पुलाव बनाना है तो उसको दम पे रख दें, पुलाव बन जाएगा। अगर आपको इसको बिरयानी बनाना है, टू इन वन करना है, तो आप इसमें, ये मेरे मसाले हैं बिरयानी के थोड़े से, तो वो मैं इसमें यखनी में डाल दूँगी और फिर चावल डाल दूँगी, तो ये बिरयानी भी बन जाएगी सिंपल से। मगर बिरयानी कई किस्म की बनती हैं, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, तो ये मेरी सिंपल सी पुलाव बिरयानी है। अच्छा, ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ भी आ रही हैं। और शहनाज़ आपा, आप ज़ाहिर है आपकी कुकिंग के जो एक्सपीरियंस है इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे। और अच्छा ये भी है कि कम वक्त में
अगर आप अपने घर वालों में अगर किसी को यखनी पुलाव पसंद है और अगर किसी को बिरयानी पसंद है तो आप एक ही डिश से सबको खुश कर सकते हैं। जी तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, आप अपनी कुकिंग स्टार्ट कीजिए और हमें ऑलरेडी भूख भी लग रही है और बेहतरीन खुशबुएं बहुत भी आ टाइम रही है, है तो रोजा रोज़ा ज़्यादा खोलने लगना में। शुरू हो गया। इसके तो कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स जो इस तरह से हैं, तो चिकन है ये 1 किलो के बराबर, एक कढ़ाई पीस चिकन लिए मैंने, तो इसमें हाफ मीडियम साइज़ की आनियन जाएगी, अदरक लहसुन जाएगा, ये गरम मसाले जाएंगे, और इसमें मुझे यखनी पुलाव बनाने के लिए इसमें थोड़ी सौंफ है और ये कुटा धनिया है इधर, और नमक जाएगा, ये सब चीज़ें जाएंगी, मैं आपको वक्तन फवक्तन बताती जाऊँगी कि इसमें क्या क्या जाएगा। तो मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, आप कुकिंग स्टार्ट कीजिए और हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हसन, आप पाकिस्तान में रमज़ान को कुछ वक्त गुजरा आपका पाकिस्तान में, तो वहाँ के रमज़ान में और ऑस्ट्रेलिया के रमज़ान में आपको क्या चीज़ लगता है कि फ़र्क है और क्या चीज़ आप मिस करते हैं? सर मिस तो रमजान तो पाकिस्तान का ही है एक्चुअली। जो पाकिस्तान की जो फूड है वो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, ऑब्वियसली उसका टेस्ट उस तरह का तो नहीं होता, लेकिन वो जो एक पाकिस्तान में एक ऑरा होता है, एक पूरा जो जो द वे रमजान इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान, वो बहुत मजा आता है, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। जैसे आप अजान आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान में सुनते हैं और आपको रोजा खुलने का जो आप इंतज़ार करते हैं कि अभी अजान होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह तो नहीं है। ऑब्वियसली हमें जो मोबाइल अपडेट्स है उनके मुताबिक हम चलते हैं, तो एक पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा उसको जो रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो दिस इज़ समथिंग जो हमेशा से एक दिल करता है, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ भी इंटरेक्टिव रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे ईद की तैयारी है उसके लिए अभी 15 के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी शुरू हो जाती है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो ये चीज़ है अच्छा, मैं जो समझता हूँ कि हम लोग मैं। यूके में मौजूद होते हुए ना, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कम्युनिटी बहुत बड़ी है और मसाजिद भी प्रॉपर मसाजिद हैं। जिस तरह मेरा ख्याल है आज से जो तकरीबन 30, 35, 40 साल पहले यहाँ पे जो लोग आए होंगे उनको शायद घरों में ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता होगा, लेकिन प्रॉपर मसाजिद भी हैं और चंद एक मसाजिद ऐसी भी हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर पे अजान का भी आपको सुनने का एक एक सरूर मिलता है। और मेरा ख्याल है मैं जो पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ मिस करता हूँ ना, सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ रोज़े जो है ना वो लंबे और लंबे होने की वजह, गर्म होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अभी भी पाकिस्तान में जी गर्मी की शिद्दत मेरा ख्याल है बेइंतहा है, 40-45 के करीब टेम्परेचर है। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से कि सूरज शिकस्त खा गया है रोज़ेदार से। तो पाकिस्तान का जो रोज़ा है ना वो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इबादत है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी तौफीक दी है और आसानी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक थॉट लीडर भी हैं, तो थॉट लीडर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह से आप लोगों को लीड करते हैं उनको अच्छा सोचने पे, या किस तरह से क्या डायरेक्शन देते हैं? जी सो थॉट लीडर, ये एक आपने शायद एक वर्ड सुना, लाइफ कोचिंग इसको बोलते हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कैसे करें। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो एक सर्टन पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा है जब मैंने समझना शुरू कर दिया कि लाइफ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे जो एक पेशेंट है उसकी लाइफ के देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू कंसिडर जब भी वो आपके पास आता है, उसमें सिर्फ उसकी बीमारी नहीं होती। तो फिर मैंने बहुत सारे दुनिया के बड़े बेहतरीन लोगों से जाके खुद भी ट्रेनिंग करना शुरू की, और जो एक्चुअली उसका सारा एक सिस्टम निकलता है थॉट लीडरशिप का, वो ये है कि आप लोगों को सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए एक लेआउट देते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को इन लाइंस के ऊपर गुजारना है, अगर आप कौन सी चीज़ें करेंगे, कैसा सोचेंगे और कौन सी हैबिट्स को आप अपनाएंगे, तो आपके रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत सारे प्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। तो थॉट लीडरशिप का मेन मकसद ये है कि लोगों को लीड किया जाए थ्रू देयर थॉट्स, के वो अच्छा सोचें और अच्छी हैबिट्स को अपनाएं और फिर उनकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें आए, और जो कि मैयरेबल होती हैं, ये नहीं कि आपने जस्ट एक फिलोसफिकल टॉक की जिसका किसी को फ़ायदा ना हो। तो इसका एक बहुत एक प्रॉपर सिनेरियो है जिसके ऊपर लाइफ कोचिंग की जाती है और थॉट लीडरशिप को चलाया जाता है। तो यही चीज़ मैं अपने पेशेंट्स के साथ भी इंप्लीमेंट करता हूँ कि अदर देन ड्रग्स, अदर देन बीमारी, उनकी लाइफ के ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो कि उन्हें प्रोग्रेस करने से और हैप्पीनेस से दूर रख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट
दिस बिल्कुल इज मेरा फॉर ख्याल है ऑल बड़ा अबाउट अहम रोल है और स्पेशली लोगों को इसकी बड़ी ज़रूरत भी है एक अच्छा सोचने के लिए, और हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि हम एक अच्छा सोचें और ना उम्मीद बिल्कुल ना हो। अब अपने दूसरे गेस्ट की जानिब भी बढ़ते हैं। डॉक्टर हमारे साथ बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब जो हैं, जो हमारे बड़े ही कीमती भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और हमारे कम्युनिटी के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, लीडर भी हैं, और ये यहाँ पे मौजूद है, एक लॉ फर्म के करते धरता भी हैं, एडिसन एंड खान लॉ फर्म के। इनकी मेन जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इमिग्रेशन से हवाले से हैं। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप उससे उस हवाले से भी लाइव कॉल के थ्रू शमूलियत कर सकते हैं। बशीर साहब, सबसे पहले तो सवाल करना चाहूँगा कि रमज़ान कैसा गुजरा है यहाँ पे, और क्या चीज़ आप मिस करते हैं जो पाकिस्तान में रमज़ान में और यहाँ पे मौजूद नहीं है? बहुत शुक्रिया जैन साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी विद यू। रमज़ान साहब ज़रा एक बरकतों और एक रहमत का महीना है, एक बिल्कुल अच्छा डिफरेंट एटमोसफेयर होता है इसके अंदर। फिर कल्चरल बैकग्राउंड का बड़ा फ़र्क होता है। यूके में आपका जो नेक्स्ट डोर है वो हो सकता है सिख है या हिंदू है या क्रिश्चियन है कोई है, तो लेकिन पाकिस्तान में ही होता है कि वो पूरा मोहल्ला जो है, आप जो भी हैं आपके रिलेटिव्स हैं तो आपस में एक इंट्रैक्शन और एक आना जाना, और चूँकि आम तौर पे जो लाइफ का एक रूटीन है कि 7 या 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन रमज़ान में तरावी वो भी इकट्ठी पढ़नी है, उसके बाद फिर सहरी तक लोग जो है अक्सर जागते हैं, फिर घरों में आना जाना, फिर अफ्तारी का सिस्टम, तो वो एक सारा कल्चरल भी एक है, और दूसरा जो कि यूके जो है यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, और पाकिस्तान में चूँकि एक ही सारा के एक ही मज़हब है 99%, तो ये बिग डिफरेंस है। ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय बंदा करता है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि स्पेशली पाकिस्तान में एक माहौल ही अजीब डिफरेंट होता है। हर बंदे का एक नेकी करने की एक कोशिश होती है एक रमज़ान में, कि जी कोई हमने गाने नहीं सुनने और किसी को कोई बुरा भला नहीं कहना, कोई भी एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालना है जो जो किसी की दिल आज़ादी करे, और एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह करीम करे कि हम पूरा साल ऐसे ज़िंदगी गुजारें। और रमज़ान की मैं जो एक स्पेशल चीज़ एक मुझे याद आ गई, हम छोटे होते थे तो जब सबसे पहला रोज़ा रखा, मुझे अभी भी याद है कि मेरे नाना ने मुझे उस वक्त एक पेन गिफ्ट किया। एक इनक्रेजमेंट होती थी फैमिली में कि आप बच्चों को इनक्रेज किया जाता था कि रोज़े रखें। मुझे आज मैं अपने अबू से बात कर रहा था सुबह, तो बता रहे थे कि जब उन्होंने रोज़ा रखा, आज से कोई मेरा ख्याल है 50 साल पहले की बात होगी, तो उस वक्त उनको भी एक चाबी वाली गाड़ी, उस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी उस वक्त मेरा ख्याल इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनको भी इनक्रेज करने के लिए ये तोहफा दिया गया। तो हम अपने बच्चों को, हमें यहाँ पे भी चाहिए कि हम इनक्रेज करें, और इस रमज़ान में स्पेशली एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी कह लें या एक्स्ट्रा अल्लाह ताला का करम है कि हम रमज़ान छुट्टियों में हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं और बहुत सारी तकरीबात का भी इंतज़ाम हो रहा है, और मुझे बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पे, जो हमारे साथ शहनाज आपा भी जो यखनी पुलाव बना रहे हैं, और मुझे रोज़ा और बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो शहनाज आपा, कहाँ तक पहुँची हमारी कुकिंग? अभी हाफ वे पे हैं हम, अभी काफ़ी इसको टाइम लगेगा। चिकन को गलाना है, ओके, इसकी यखनी तैयार करना है, चिकन यखनी में गलेगी तो फिर हम इसका चावल इसमें डाल देंगे। तो चलिए बिल्कुल आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी मुझे तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और रोज़ा भी ज़्यादा लगने लग गया, इनकी मकरूह हो जाएगा रोज़ा एक बेहतरीन कुकिंग की खुशबू से। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर हसन खलील साहब। डॉक्टर साहब, आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक जो सिलसिला है वो किस तरह से हम रमज़ान में, क्योंकि लोगों को यहाँ पे स्पेशली यूके में ज़ाहिर अपनी जिम्मेदारियाँ भी अदा करनी होती हैं, रोज़ा भी रखा होता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक मेरा ख्याल है ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो क्या एडवाइस करते हैं हमारे सुनने वालों को कि किस तरह से वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्यों ये अहम है? जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आई वुड लाइक यू टू बी स्पेसिफिक के एक है मेंटल स्ट्रेस है, एक है फिजिकल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है उसका स्ट्रेस है, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो ओवरऑल सारी पिक्चर बनती है वो आ जाके आपके मेंटल स्ट्रेस। नमाज पढ़ते हैं हम लोग, अल्लाह से दुआ करते हैं, हमें जो इसकी अगर इसको मैं रिलीजियसली उसके साथ कनेक्ट करूं तो हमारी जितनी भी जो रिलीजन है ये आपको ना इसका सारा जो ओवरऑल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपको जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए और डी स्ट्रेस करने के लिए। ठीक, उसके अंदर मेन चीज जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का मेन मकसद ये है कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने जो किसी ना किसी स्ट्रेस से ना गुजरा, उसमें उसकी फैमिली भी है, फाइनेंशियल भी है, उसके प्रोफेशनल भी हैं, मल्टीपल चीज़ें वो चल रही होती हैं, और आई हैव नेवर मेट, मैंने कभी आज तक किसी इंसान से नहीं मिला जिसकी लाइफ में कोई ना कोई करंटली स्ट्रेस ना चला हो और पास्ट में ना चला। अब उसके कंपोनेंट्स हैं,
उसमें फिजिकल स्ट्रेस को आप अलहदा तरह से फील करेंगे, आप मेंटल स्ट्रेस को अलहदा तरह से करेंगे, फाइनेंशियल को अलहदा तरह से करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो हमें रिलीजन जो एक फ्रेमवर्क देता है उसके अंदर एक चीज़ आई कि अल्लाह तवक्कुल, ठीक है, कि आप उसको फर्म बिलीव करते हैं कि मेरे ऊपर जो भी ये जो मुसीबत है, जो भी मेरी लाइफ का एक स्ट्रेस चल रहा है, ये मोमेंट्री है और ये अलग तरफ से एक आजमाइश है और ये इसने गुजर जाना और इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ अच्छा लाएगा। तो जब तक आप इसको बिलीव करेंगे आपकी आधी परेशानी यही चीज़ दूर कर देती है कि उसको आप बिलीव करें कि जिंदगी में मेरे साथ कोई बहुत जो भी हो रहा है ये, ठीक है, तो क्योंकि बिलीव करना। उसके बाद अब अगर उसके ऊपर आवर लाइफ के जो हमारे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं वो स्पेसिफिकली उसको पूछें तो फिर मैं उसको बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सबसे चीज़ है कि आपको अपने ऊपर अल्लाह तवक्कुल एक बहुत जरूरी है, आपको होप फुल रहना है हमेशा। बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम फैक्टर है, सॉरी कथा कलामी के लिए बड़ा ही अहम फैक्टर है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर आपका एतमाद और यकीन हो और ना उम्मीदी ना हो, ना उम्मीदी कुफ्र है और अल्लाह ताला पे यकीन हो कि ये जो हमारे लिए जो मुश्किल हैं ये टेम्प्रेरी मुश्किल हैं और ये आगे बढ़ के अल्लाह ताला ने कोई बड़ी आसानी का ही सबब रखा हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को एक माँ से 70 गुना ज़्यादा चाहता है, 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। और आप ज़ाहिर है आपको पता है कि एक माँ हमारे लिए कितनी बेकरार रहती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आप यकीन रखिए कि हर काम में आसानी का सबब रखता है। डॉक्टर साहब, आप कुकिंग के, मुझे मेरा दिल बस बार बार चाह रहा है कि मैं कुकिंग के हवाले से बात करूँ क्योंकि मुझे खुशबू बड़ी सी आ रही है, तो आप भी कोई कुकिंग शुकिंग कर लेते हैं? मुझे मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये और मैं बना लेता हूँ, मैं मटन अच्छा बनाता हूँ, मुझे अच्छा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। बैरिस्टर साहब से भी पूछें कि आप क्या चीज़ पका लेते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे यूके में नया नया आया तो खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, तो मेरे लिए स्काइप ही कुकिंग था, मैं बस ऑनलाइन या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस वक्त होती थी तो मम्मी से पूछ पूछ से एक एक चीज़, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाना भी शुरू कर दी। तो और सबसे अच्छा जो मैं बना लेता हूँ वो ख्याली पुलाव है, तो आप क्या बनाते हैं सर? वेल डिफाइन किया आपने, ख्याली पुलाव एक अच्छा, एक अच्छी, मेरे ख्याल ये तो एक ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो सभी मेरे ख्याल थोड़ा बहुत जानते हैं। मुझे जी इसका गुज़ारा सच नहीं था कुकिंग का, कम वास्ता पड़ा, डिपेंड करता सरकमस्टांसिस में, चूँकि एजुकेशन के बाद जब बाहर में तो रिमोट एरियाज पाकिस्तान से तो बोर्डिंग में चले गए, तो बोर्डिंग में आपको पता है कि वहाँ पे फिर वो ऑटोमेटिक आपको पकअप का ही मिलता है, मैस में होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे फिर वही सिलसिला। तो लेकिन पेंडेमिक ने बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज की और उनमें से वर्ल्ड को डिजिटलाइज़ किया, लेकिन साथ बहुत से लोगों को और एक्सपर्टीज़, बहुत से आपको पता है यूट्यूबर आ गए, बहुत से चैनल्स ने आ गए इस तरह के। तो कुकिंग में मुझे जो है बच्चों के लिए एक्सक्यूज़ मी, तो उसके लिए मुझे जो है वो इत्तेफाक हुआ, तो सब्ज़ी मैं कुछ बना लेता हूँ, अभी रोटी थोड़ी बना लेता हूँ। तो बेसिक ये है कि अगर मैं अकेला हूँ तो वो कहते हैं कि वो भूख से मरने वाला पोजीशन नहीं है, ऑमलेट वगैरह हो गया। मतलब हमारी भाभी कहती होंगी कि चलो पेंडेमिक में अल्लाह ताला की ये तो खास रहमत हुई है कि थोड़ा सा हुआ कि अब मैं ये कह लें कि थोड़ा सा मुझे कोई सब्जी तक। आप इमिग्रेशन में क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, बहुत सारे लोगों को भी ये ब्रेक्सिट के बाद प्रॉब्लम रहती है स्टाफ का, एम्प्लॉयमेंट का, तो क्या तजवीज़ करते हैं जो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो किस तरह से लोगों को दूसरे ममालिक से बुला सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी इसमें ऑब्वियसली आफ्टर ब्रेक्सिट और आफ्टर पेंडेमिक के अपने एक इम्पैक्ट्स हुए हैं ब्रेक्सिट के बहुत ज़्यादा उसके, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट के बाद इवन चूँकि ईयू पे बहुत ज़्यादा रिलाई यूके करता था, तो ईयू से भी अगर कोई अब बेशक ईयू सिटीज़न अगर यूके में आना है तो उसको वही फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर जो है किसी नॉन वीज़ा नेशनल, जैसे पाकिस्तान से है या इंडिया से कोई आ रहा है या बांग्लादेश से, तो वही प्रोसीजर उनके लिए भी हो गया, नो डिफरेंस। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए जो पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, बल्कि एक पॉलिसी तो अभी जस्ट रिसेंटली अनाउंस हुई है 11th of April को, आज हम 15th है हमारी, तो जस्ट 3-4 days बिफोर। तो जो अवेलेबल उसमें एक तो ऑप्शन है कि बिज़नेस को लाइसेंस लिया जाए होम ऑफिस से, जिसको स्किल्ड स्पॉन्सरशिप कहते हैं, कि अगर होम ऑफिस से स्पॉन्सर लाइसेंस ले लें
उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट हो सकती है विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री, जिसको आम अल्फाज में वर्क परमिट भी कहते हैं, उसको टीयर टू भी कहते थे, उसको अब जो न्यू नेम है उसका स्किल्ड वर्कर है। तो एक तो बिज़नेस को स्पॉन्सरशिप पर लाइसेंस लिया जाए होम ऑफिस से, आफ्टर लाइसेंसिंग तो फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट हो सकती है विद इन कंट्री आउट ऑफ कंट्री, तो काफ़ी आसान कर दिया गया ये। चलिए तो अच्छी खबर है कि एटलीस्ट लोगों के लिए आसानी है। अपने शहनाज़ आपा की तरफ भी बढ़ते हैं कि शहनाज़ आपा कहाँ तक एक तो कुकिंग पहुँची है और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग तो निहारी कौरमे बिरयानियाँ खाते हैं, तो वही ज़्यादा मेरी फेवरेट डिश है और मैं वही ज़्यादा अक्सर बनाती हूँ। तो मैं कैटरिंग का भी करती हूँ तो लोग काफ़ी मुझसे लोग बनवाते हैं। अच्छा, तो आप खाने के लिए ज़्यादा शौकीन है या पकाने की ज़्यादा शौकीन है? दोनों। और खाने में आप नजर आ रहा होगा खाने खाने की कौन सी डिश पसंद है और पकाने में कौन सी चीज़ आपको पसंद है? खाने में मुझे कोई सिंपल सा इस टाइप की, जैसे सिंपल सा चिकन पुलाव या लैम पुलाव मुझे बहुत पसंद है, और पकाने में भी आसानी है, और जैसे निहारी कौरमे वगैरह ना इसमें ज़रा टाइम लगता है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। अभी आपके एक्सपीरियंस का कमाल है कि आपको जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी मुझे तो डिश लग रही है और आपके लिए वो बहुत आसान है यखनी पुलाव। में मेरा ख्याल है शायद हम मर्द हजार क्योंकि नॉर्मली यूज नहीं होते या शायद हमारे जीन्स में भी नहीं है इतना खास कुकिंग से लगाओ, तो शायद इस वजह से भी मुश्किल लगता है। डॉक्टर साहब रमज़ान के हवाले से किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे और कि लोग जो रमज़ान की नेमतों से बरकतों से किस तरह से फ़ायदा उठाएं यहाँ पे होते हुए जब आपके काम की भी मसरूफियात हैं और अपने घर को भी देखना है और रोज़ा भी रखा हुआ है और लोग जो आपके आसपास हैं वो खा पी भी रहे हैं और आज हमारे साथ भी वही हो रहा है कि खुशबू भी आ रही है खाने की, तो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे? इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है जी कि आप जो भी काम करते हैं अगर आप उससे प्यार करते हैं तो वो काम नहीं रहता बल्कि वो आपकी हॉबी में आ जाती है बात। अगर तो आप अपने काम से जिसमें भी इन्वॉल्व हैं, आपका लॉ है या आपका अकाउंट्स है या आप किसी भी आप ट्रेड के अंदर हैं, तो अगर तो आप पैशन के साथ हैं और आपके पैशन में आप उसको लाइक करते हैं तो फिर तो उसमें थकने वाला भी कम चांस है, फिर तो आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो रमज़ान की जो बरकत हम की बात कर रहे हैं तो रमज़ान में टाइमिंग का स्केजुअल डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आपको लेट सोना है, तरावी पढ़नी है और उसके बाद फिर सैरी करनी है, सैरी के बाद तो फिर वो जो रूटीन जो लाइफ है उससे थोड़ा हटके हो जाता है। इसमें इसका एडवांटेज ये भी हो सकता है कि जिस चूँकि आपको रिसर्च करने के लिए या थोड़ा जो कंसंट्रेशन करने के लिए आपको एक पीस चाहिए होता है। अब ऑफिस में तो है उस वक्त तो ईमेल आ रही है, क्लाइंट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें तो आप काफ़ी इंगेज होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप पीस में हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई थिंक सो कि रिसर्च जिसको आप कहते हैं या क्योंकि कोई भी प्रोफेशन है वो बेशक कोई भी ट्रेड है उसमें अगर आपकी रिसर्च है साथ साथ यानी उसमें आप अपडेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं अपने आप को, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी बंदा आपके पास आया और अगर आप उसको वैल्यूड फॉर मनी या वैल्यू फॉर टाइम उसको दे रहे हैं तो ये इबादत भी है। जो कहते हैं ना कि रिज़्क़ के हलाल एक अहम इबादत है, तो वो कैसे है कि जिस पर्पज़ के लिए कोई आपके पास आया है और आपको सही एडवाइस कर रहे हैं और एडवाइस बेस्ड ऑन रिसर्च और एडवाइस बेस्ड ऑन जो भी लेटेस्ट जो उसमें अपडेट है, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि और पॉलिसी में और भी दो तीन चीज़ें आई हैं, ये स्किल्ड वाला तो ओल्ड था, अभी और भी दो तीन पॉलिसी आ गई हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है रमज़ान के अंदर। बिल्कुल सही फरमाया कि जो अगर आप नेक नियति से और आप इबादत समझ के काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के लिए आसानियाँ क्रिएट करने की नियत से अगर आप काम करें तो यकीनन ये जो इबादत है, ये जो काम है, ये आपका इबादत बन जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको बे इंतहा अजर भी देगा। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अभी जिक्र हुआ कि रमज़ान में जो रूटीन जो है वो ज़ाहिर है डिस्टर्ब भी हो जाती है, आपके खाने पीने का एक निज़ाम भी बदल जाता है, आपको बड़े ही कम वक्त में सारे दिन का गुजारा करना पड़ता है, सहरी होती है अफ्तारी और सहरी में बहुत कम वक्त होता है और बहुत सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और मसला ये होता है कि अक्सर लोग क्योंकि हाजमे का भी प्रॉब्लम रहता है इकट्ठा खाने की वजह से और कोशिश होती है कि पूरे दिन का बस पूरा एक ही वक्त में टैंकी फुल कर लें, तो एक तो ये तरीका ये है कि रमज़ान से पहले अपना वज़न करें और रमज़ान के एंड पे देख लें कि आपका वज़न कम नहीं होता, इसका मतलब है कोई किसी तरह की थोड़ी बहुत तो चीटिंग हो रही है। तो किस तरह से लोग अपनी जो डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो और वो वेट वगैरह के लिहाज से आपके लिए नुकसानदेह ना हो, बड़े मुख्तसर से आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी क्योंकि ब्रेक का भी वक्त होता है हुआ जा रहा है अभी थोड़ी देर में, तो हम ब्रेक की तरफ भी बढ़े हैं, तो एक थोड़ा सा इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी सर, इसके लिए मेन चीज़ बिल्कुल आपने सही कहा कि रमज़ान का मेन मकसद ये है कि आप अपना थोड़ा सा हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको अपनाएं
और वेट लूज करे पाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं एक रिसर्च बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक्स हैं वो रमज़ान में बहुत बढ़ जाते हैं नॉर्मल दिनों की नस्बत। उसकी वजह यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, एक हमारे कल्चर में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर उसका मैं मुख्तसर जवाब दूँ तो हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस होना है क्योंकि रमज़ान के बाद हमें मज़ीद हेल्दी होकर निकलना है। इसीलिए अल्लाह ने इसको दिया है कि ये पूरी बॉडी को रीसेट करता है कि पूरा एक महीना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हमारा क्योंकि एक तो फूड भी, सॉरी मैं कथा कलामी फिर करूँ, क्योंकि एक तो ब्रेक का वक्त हो रहा है और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो रमज़ान में हमारा क्योंकि एशियन कल्चर में फ्राइड फूड की तरफ भी रुझान बहुत ज़्यादा होता है, समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ें, और बड़े टेम्पटिंग भी होती हैं चीज़ें क्योंकि आप सारे दिन के भूखे होते हैं तो दिल भी कर रहा होता है कि हम ये खाएँ। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपके पास फिर दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ इस्लाम चैनल उर्दू पर, और हमारे साथ आज बहुत ही कीमती और तजर्बाकार बैरिस्टर गुलनवाज़ खान मौजूद हैं और डॉक्टर हसन खलील साहब मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इस गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं और लाइन्स जो हैं लाइव कॉल्स के लिए भी ओपन हैं। आप लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने रमज़ान का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छा पैगाम पहुंचा सकते हैं, कोई अच्छा कलाम सुना सकते हैं, और कोई अगर आपके पास भी कोई अच्छी रेसिपी है हमारी शहनाज़ आपा की जैसी तो रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं। शहनाज़ आपा कहाँ तक पहुँची है हमारी कुकिंग? जी हमारी अभी अच्छी खासी कुकिंग हो चुकी है, ये हमारी यखनी तैयार है, तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। अभी हम यखनी पुलाव बना रहे हैं ना, तो इसमें मैंने थोड़ी हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी ये हरी मिर्च और ये पुदीना है, हरा धनिया इसमें, तो उसको डाला है मैंने। और अब मैं इसमें चावल डालूँगी, चिकन हमारी तकरीबन गल गई है, अब ये चावलों में चिकन अभी हमारी गलेगी, और ये तकरीबन 2.5 कप चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो शहनाज़ आप इस डिश को तकरीबन टाइम कितना लगता है पूरा कुकिंग करने के लिए? आपके पास सब सामान अगर तैयार है पहले से, यखनी वगैरह तैयार है, तो यखनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाफ एन आवर में बन जाएगा पूरा पुलाव। अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि कुकिंग डिश है, और ये रमज़ान के लिए कितना कोई हेल्दी है, इसमें ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किस हद तक किया गया, और क्या ये रमज़ान के लिए अच्छा फूड है? बहुत अच्छा एंड लाइट फूड है, और ये हमारे टमी को हैवी भी नहीं करेगा, और ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें, और क्या नाम है आपके लिए इबादत के लिए भी बड़ा अच्छा है आपके लिए। आप हल्का लाइट खाना खाएंगे तो आपका पेट भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम हैवी खा के तंग आ जाते हैं। बिल्कुल, तो इबादत के लिए तो बेहतरीन है कि एक तो वक्त भी इसमें कम लगता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत में, अल्लाह के जिक्र में और रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से, नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए गुजारें, और हेल्दी भी है क्योंकि ऑयल कम है, और बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ साथ हम आपके साथ ट्रांसमिशन में हर रोज़ हाजिर होते रहते हैं। बैरिस्टर साहब से सवाल करूँगा सर कि मैं पाकिस्तान में जब हम छोटे होते थे तो अफ्तारी के वक्त पे हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी सी वो रेसिपीज़ रखी होती, छोटी छोटी सी स्नैक्स रखे होते थे, इंतज़ार होता था कि जब बस रोज़ा खुल जाए। आप क्या चीज़ जो है पाकिस्तान में अफ्तार के टाइम पर करते थे? जी वो जब डिपेंड करता एज के किस एज ग्रुप में, बचपन में, हाँ बचपन में है तो फिर तो एक बिल्कुल एक अलग से उसका है, तो ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती थी हमारे टाइम के ऊपर तो उसमें होता था कि ये जो तली हुई चीज़ें हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब है, और फिर रख लेने सारे सारे, फिर मसला होता था कि अब एक मिनट रह गया, अच्छा अभी 30 सेकंड रह गए, अभी 10 सेकंड रह गए हैं, तो वो जो काउंट डाउन होता है तो थोड़ा इन्जॉय भी करते थे जो बड़े होते थे, तो बच्चे जो है वो साफ ज़रा उनका एक चीज़ें रख रही हैं, एक वो चैलेंज होता है ना बच्चे के लिए कि चीज़ पड़ी है उसको नहीं ले सकता, तो ये एक इंजॉय करते थे। मुझे याद है हमसे पूछा जाता था कि जी रोज़ा रखा है तो कहाँ रखा है रोज़ा, हमने कहना जी हमने फ्रिज में रखा है, अलमारी में रखा है, तो अब एहसास होता है कि वो जो टाइम था उसकी एक अपनी खूबसूरती थी। डॉक्टर साहब आपसे, आपको जो रमज़ान था बचपन वो कैसा गुजरा, और क्या चीज़ें जो हैं आप ऑस्ट्रेलिया में मिस करते हैं जो पाकिस्तान में आपने रमज़ान में इंजॉय किया अपने बचपन में, जो और क्या ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे बच्चों को वो मुयस्सर नहीं है जो हमारे बचपन में थी? बचपन में देखें पाकिस्तान में जब हम रमज़ान
हम लोग वही इंजॉय करते थे, पकौड़े हैं, समोसे हैं और चाट, ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल होता है, ये तो उसमें मस्त चीज़ें होती हैं। साथ में ये होता था कि जैसे हम वाले साहब के साथ तरावी पढ़ने चले गए, और अक्सर ये होता था कि रोज़ा खोलने के बाद मैं एक कॉलोनी में रहता था, वहाँ पे डॉक्टर्स कॉलोनी थी, सारे डॉक्टर्स के बच्चे होते थे, तो वो हम लोग सब लोग मिल के जाया करते थे तरावी पढ़ने, और कई दफ़ा शहरी के वक्त भी मिल लेते थे क्योंकि हम लोग सारे नेबर्स होते थे। तो ये चीज़ें अभी मिस होती हैं, अभी मेरे वो सारे दोस्त बड़े हो चुके हुए हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो जब भी उनसे पाकिस्तान में मिलें, मुलाकात करें, तो उन सारी चीज़ों का मज़ा आता है। लेकिन मैंने जैसे वो कहा कि जो पाकिस्तान में वो जो अजान वाला है, वो मैं अजान का एक एटमॉस्फेयर होता है एकदम से पाँचों टाइम पे, वो मैं ऑस्ट्रेलिया में मिस करता हूँ। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हम यहाँ पे जब इफ्तार का टाइम होता है तो मोबाइल पे हर बंदा इंतजार कर रहा था क्या टाइम हुआ है, चेक करें जी कि क्या आज की इफ्तारी का टाइम क्या। पाकिस्तान में बिल्कुल अजान होता, अजान का इंतजार होता था कि अजान की आवाज़ सुनाई दी तो जी रोज़ा खुल के इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और यहाँ पे केंगरू बहुत सारे होते हैं, तो क्या कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ है केंगरू के, केंगरूज के साथ, और केंगरू का गोश्त हलाल है? अगर है तो कोई खाने का इत्तेफाक हुआ? कैंगरूज तो बहुत ज़्यादा है, उनके साथ मैं कई ऐसी जगहों पर भी जॉब्स करता था, तो पूरी कैंगरूज फैमिली शाम को विजिट करती थी उधर आके, उनके बच्चे भी, और वो और कैंगरू बेजरर है, लेकिन बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया की रोड्स हैं उनके ऊपर उनकी क्रॉसिंग बहुत होती है, रोड एक्सीडेंट्स कैंगरूज के बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे बोर्ड लगाया होता है। कैंगरू हलाल है क्योंकि ये वेजिटेबल्स और घास वगैरह इस तरह की चीज़ें ही खाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में वाकई इसको जो दुकानों पे लाइक दस्तयाब है हलाल के नाम से ये मिलता है वहाँ पे, लेकिन मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है जिस तरह यूके में फॉक्सेस होती हैं, इसी तरह मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज हैं, तो क्या ये वाइल्ड हैं, ये डेंजरस भी होते हैं? इनकी इनकी दो टाइप्स, एक तो आप जिसको सुनते हैं ना कैंगरू, ये इतना डेंजरस नहीं है, ये आपस में कभी कभार लड़ लेंगे, लेकिन जैसे ही ह्यूमंस को देखते हैं तो ये अपना रास्ता बदल के चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनको अपना नेशनल सिंबल बनाया हुआ, वो ये कि कैंगरू पीछे की तरफ नहीं चल सकता, ये सिर्फ आगे ही चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो अपना एक नेशनल स्लोगन है वो ये है कि वी जस्ट मूव फॉरवर्ड, वी डोंट गो बैकवर्ड्स, जो कैंगरू से उन्होंने ड्राइव किया था उस तरह। तो एक और इससे एक छोटे वाला जानवर होता है, उसको वॉलाबीज कहते हैं, वो उसका जो हाइट है वो इससे बहुत कम होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और उसकी जो टेल है वो बहुत लंबी होती है, वो रहता है माउंटेन्स वगैरह में, लेकिन वो भी बेजरन है, वो ह्यूमंस में मिक्स नहीं होते, बट दैट इज अ बिट वाइल्ड टाइप ऑफ कैंगरू। अच्छा बैरिस्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं सर, पाकिस्तान में जिस तरह जब आप अफ्तारी वगैरह करते थे और बच्चों को तरबियत दी जाती थी, सिखाया जाता था, बताया जाता था कि किस तरह से रोज़ा रखना है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि हमें तोहफे तहाइफ दिए जाते थे माँ बाप की तरफ से या नाना नानी दादा दादी की तरफ से, तो आप यहाँ पर बच्चों को ये तरबियत देने के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे आप उनको क्या स्ट्रेटजीज दे सकते हैं कि अपने बच्चों को वो इनक्रेजमेंट दी जाए और उनके अंदर वो शौक और ज़ोक पैदा किया जाए रमज़ान के हवाले से? इसमें ये दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो जिस तरह कल्चर का बड़ा इंपैक्ट होता है, जहाँ पे सभी रोज़ा रख रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और उस पर वो करना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी जो दुनिया है बच्चों की, वो असल में जो यहाँ सीखते हैं वो तो सोसाइटी तो है ही है, लेकिन जो घर है वहाँ पर क्या माहौल है, फादर क्या कर रहा है, मदर क्या कर रही है, बड़े बहन भाई क्या कर रहे हैं, तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। और बच्चे को जब आप बताते हैं ना ये करें ये ना करें ये करें, तो उससे वो जो है ना वो कम कमांड लेता है, रादर के जो वो जो ऑब्ज़र्व करता है, रादर के वो जो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को, वो ऑटोमेटिक जो चीज़ जाती है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तरावी पढ़ने गया, मेरी बेटी कहती है जी मैंने भी जाना है, मैं कहा बेटा वहाँ तो इस मास्क में बच्चों का कोई बच्चियों का नहीं है इंतजाम नहीं। उसने कहा जी कोई ऐसी मास्क डेफिनेटली होगी, तो फिर चूँकि जो अल्बर्ट मास्क है वो काफ़ी बड़ी है वहाँ पे है, तो वहाँ पे गया। अब मैं थोड़ा सा लेज़ी कह लें या जिस तरह भी कि चलो जब सम टाइम अगर थका हुआ हूँ तो 8 तरावी या 12 करके फ़ारग, वो कहती नहीं जी 20 पढ़नी है।
तो अब मेरी अगर मिसिंग हो भी, वो ही मुझे मिसिंग करने देती, वहाँ पे लेके जाती है मुझे, और एवरी डे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर उसने मुझे ना देखा होता या अपनी वालदा को ना देखा होता, तो अब कल जो है दूसरी बच्ची भी वहाँ पे गई हुई थी साथ में, तो जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं ना, उससे मैं समझता हूँ कि उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंग होती है, रादर दैन डायरेक्शन दीजिए बल्कि उनको करके दिखाया जाए, वो लेट देम ऑब्जर्व देम सेल्फ। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ यहाँ यूके में बड़ी खूबसूरत है, और मैंने ये चीज़ तुर्की में भी देखी कि ख़वातीन का मसाजिद में आना क्वाइट कॉमन है। मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये थोड़ा कम है कि ख़वातीन नॉर्मली घर में ही अपने इंतजाम करती हैं, या आपस में उनको खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ता है, मसाजिद के थ्रू एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये इंतजाम बहुत कम है। और ये मैं जब तुर्की गया था वहाँ पर इवन इस्तांबुल पर नॉर्मली मसाजिद में आप पीछे सफ में ख़वातीन भी एक उनकी सेपरेट सफ लगी होती है, तो मेरा ख्याल ये बड़ी खूबसूरत बात है, भी यही है। इस्लाम में भी यही है, और अपने बच्चों को और बेटियों को भी ये तरबियत देने के लिए बड़ा अहम भी है। और ये ज़ाहिर है उनको पता चलता है कि हमें नमाज अदा किस तरह करनी है, एक कम्यूनिटी में इंटीग्रेट कैसे करना है, और एक दूसरे के साथ सोशलाइज कैसे होना है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मस्जिद में आना एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है एक दूसरे के साथ सोशलाइज होने का भी। तो यकीनन आई होप कि हम पाकिस्तान में भी ये चीज़ों को और इनक्रेज भी करें और लेकर भी आएँ। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल के ओबिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा हम जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, वो किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है रमज़ान में? सर, उसमें मेन चीज़ रमज़ान में क्या हमें मेन इशू ये आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर के ऑब्वियसली वो बहुत मजे की भी होती है, लेकिन उसको और जिस तरह हम एक सैरी में आप बहुत ज़्यादा खाना खा के उसके बाद ब्रेक ली, उसके बाद रात को जैसे ही सैरी का अफ्तारी का टाइम आया बहुत ज़्यादा खाया, उसके बाद हम लोग बहुत एक्टिव नहीं रहते। ये जो भी कैलोरीज हैं ये आपकी बॉडी में जमा होती रहती हैं, और इसी से ही आपकी बात में फैट बननी शुरू होती है। और रमज़ान में एक और बड़ा कॉमनली मसला मैं देखता हूँ मुस्लिम पॉपुलेशन में, वो होता है कि रिफ्लक्स, जिसे तेजाबियत बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी फैटी फूड का कॉन्टेंट को कम किया जाए। अगर आप पकौड़े खाते हैं तो ज़रा थोड़े खा लें, एक अगर समोसे खाते हैं तो तीन ना खाएं, लाइक एक खा लें, लेकिन उसके बाद वॉक करें। ये अगर जो लोग तरावी वगैरह पढ़ते हैं और रेगुलरली पढ़ते हैं, 20 तक पढ़ते हैं, उनकी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी स्टिल हो जाती है, लेकिन हमें वी मस्ट वॉक आफ्टर दैट कि रात को सोने से पहले, क्योंकि ये इतना क्लोज चल रहा होता है कि आपने तरावी पढ़ी, उसके बाद खाना खा के फिर सो गए, और उसके बाद फिर हैवी सहरी के लिए, और रमज़ान में आपने देखा ओवरऑल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वॉक को जारी रखें, रमज़ान में स्लगिश ना हो कि भाई। बिल्कुल ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, मेरा ख्याल है सारा साल जरूरी है, रमज़ान में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है लोग अवॉइड भी करते हैं रमज़ान में कि जी हम रोज़े में शायद फिजिकल एक्टिविटी ना रखें ताकि हमारा खाना जो है वो स्टोर रहे अंदर, लेकिन मेरा ख्याल फिजिकल एक्टिविटी जो है वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनको भी शामिल करते चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सुबाइना इमरान बोल रही हूँ। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इस की स्पेशल बात यह है कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी दीनी सिस्टर शहनाज मोहियुद्दीन आपके प्रोग्राम में एज ए कुकिंग एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़रूर कॉल करूं और आपको इस बात पर भी मुबारकबाद दूं कि इतनी अच्छी आपने कुकिंग एक्सपर्ट को इनवाइट किया हुआ है। और दूसरा ये कि आपने जो अभी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे वो भी काफ़ी रिलेटिव है, क्यों मेरे से रिलेटेड है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आपने बहुत अच्छी डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर जारी रखनी चाहिए। तो मेरी सबको सलाम, पहले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को शमूलियत का। और शहनाज आपा भी आपको सुन रही हैं, अगर आप उनको भी पैगाम देना चाहें, और अगर उनकी कुकिंग आप देख रही हैं तो कैसी लग रही है आपको कुकिंग? जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट और टीचर नहीं है, ये हमारी एज ए दीनी टीचर भी हैं। ये तो हमें कुकिंग के अलावा हमें कुरान की क्लास में भी इकट्ठा इन्होंने किया है, तो इनको तो हम बहुत सारा क्रेडिट देते हैं माशाल्लाह, और बहुत मुबारक इनको कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह और कामयाबियाँ दे। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ इस बात पे नहीं, ये तो अल्लाह ताला की वैसे ही हमें बहुत करीब लगती है माशाल्लाह, बहुत साबिर हैं, बहुत कुछ से गुजरी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग एज ए पिलर है यहाँ पर खड़ी हैं। और मैं इसलिए आप सबको, आपकी टीम को और शहनाज को बहुत मुबारक दूंगी इतने प्यारे महीने में रमज़ान में इनको देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है,
हमारी क्लासेस ये अब जूम पे लेती हैं, लेकिन जब इनको टीवी पे देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम सबाइना, पूरे हमारे लंदन के एरिया में तो ये मशहूर है इनके खाने, तो आप ने इनसे जो इनको बुलाया है तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। चले बहुत शुक्रिया, और हम लोग भी इनकी कुकिंग से आज तो बस मुझे लग रहा है कि मुझे रोज़ा बस बड़ा मुश्किल लगेगा, जितनी अच्छी खूबसूरत खुशबू आ रही है और इनकी जो जो कुकिंग देखने को मिल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है उनके इनके साथ। और यकीनन ये हमारी एक बहुत ही कीमती बहन भी हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शनाज़ आपा, कहाँ तक पहुँची आपकी कुकिंग? और सबाइना है लाइन पे जी? उनके लाइन मेरा ख्याल बंद कर, अभी हमारा दम पे रखा हुआ है, पहले हम पुलाव बना रहे थे, अब वो ऑटोमेटिकली बिरयानी में डिफरेंट तब्दील हो गया है। ज़बरदस्त, तो पुलाव बनते बनते बिरयानी बन गई, क्योंकि उसमें जब मैं यखनी बना रही थी उसमें मैंने कुटा धनिया और सौंफ डाल के रखा, अगर आपने चावल डाल दिया तो उसको वैसे ही दम पे लगा दें, दम पे लगाने के बाद वो पुलाव बन जाएगा। कलर डाल दें, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दें, मैंने ज़ाफ़रान कलर डाला है। फिर यखनी के अंदर मैंने टमाटो, लेमन स्लाइसेस, थोड़े से आलू बुखारे और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल के इसमें यखनी में फिर चावल डाल दिए और उसको बिरयानी बना दी। 2-in-1 डिश है ये। अच्छा ज़बरदस्त, तो आपका कोई पाकिस्तान में भी टाइम गुजरा है शनाज़ आपा? पाकिस्तान में कुकिंग कितना अर्सा आपने गुजारा है? पाकिस्तान में मैंने मेरा ख्याल सिर्फ 25 ईयर्स गुजारे। अच्छा, तो और 35-36 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, तो अभी तक मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ। 36 ईयर्स हो गए। 36 ईयर से आप पाकिस्तान नहीं गए? नहीं, वहाँ पे मेरे कोई फैमिली नहीं, सब अमेरिका में है मेरे लोग। फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए, जो पाकिस्तान अभी तो मुझे पाकिस्तान का इतना डेवलप हो गया है माशाल्लाह से, हमारा इमरान खान जिंदाबाद, उन्होंने कितनी अच्छी तरक्की करी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊँ देख कर आऊँ, और इतना अच्छा डेवलप हुआ है वहाँ पे पाकिस्तान। टीवी में, यूट्यूब में वगैरह देखती रहती हूँ, इतने खूबसूरत ड्रामों में राउंड अबाउट आते हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊँ, एक दिन जाऊँगी, बस होटल में स्टे करेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में यकीनन जहाँ पे हमें परेशानी की न्यूज़ मिलती है वहाँ पे यकीनन बहुत सारी बेहतरी भी हुई है, पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और नेक नियति से काम भी कर रहे हैं। और रमज़ान पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल है, और एक लोगों की नीयत और एक शौक और सरूर ऐसा होता है रमज़ान में कि कोई भी रोज़ा मेजॉरिटी लोग मिस नहीं करते, और रोज़ा फ़र्ज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हमें ज़रूर चाहिए कि हम रोज़े की बरकतों से, रहमतों से, नेमतों से फ़ायदा उठाते रहें। बैठ साहब, कोई जो भी आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक में कि एक रिसेंटली कोई तब्दीलियाँ आई हैं इमिग्रेशन हवाले से, तो जो फैमिलीज लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं एक दूसरे को, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जी, ये दो किस्म के बेसिकली चेंजेज़ आई हैं इमिग्रेशन लॉज के अंदर। उसमें एक तो है बिज़नेस के लिए, जो यहाँ पे जिन लोगों का बिज़नेस है और वो रिक्रूट करना चाहते हैं लोग या एप्लीकेंट्स विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री, और दूसरे वो स्टूडेंट्स या जिन्होंने रिसेंटली या लास्ट 5 ईयर्स के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ यूके, जो कि अच्छे रैंक्ड में यूनिवर्सिटी हैं 50 में, तो उनके लिए एक पॉलिसी है। तो एक तो ये एक साइड है। दूसरी साइड जो भी आपने मेंशन की वो है फैमिली, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव कुछ चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे जिसकी बर्थ हुई है और उसको रहते हुए 7 साल हो गए हैं, तो ओल्ड लॉ में उसको 2.5 साल का लीव देते थे, वीज़ा देते थे, और उसके बाद फिर हर तरह 2.5 साल 2.5 साल 10 साल कम्प्लीशन के बाद उसको परमानेंट होता था। अभी जो चेंज आई है वो ये है कि अगर बच्चे की बर्थ यहाँ पर है और उसको रहते हुए 7 साल हो गए तो उसको स्टेट सेटलमेंट कर दिया जाए। ओके, ठीक है, वो भी आसानी कर दी, स्टेट में सेटलमेंट हो गया तो वो टाइम सेव हो गया। और जब वो 10 साल का बच्चा हो जाता है, बर्थ यहाँ पे है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स तो वो फिर स्टेट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। अच्छा, मुझे याद है कि जब आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक वो डोमेस्टिक वर्कर वाली भी एक स्कीम थी जी, तो वो भी अभी तक कंटिन्यू है, वो आप अगर किसी को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं इसको कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर। ये दो किस्म के डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर। डोमेस्टिक वर्कर एक होता है घरेलू मुलाजिम, एक होता है डिप्लोमेट डोमेस्टिक वर्कर, जो ये हाई कमीशन और ये डिप्लोमेट्स के साथ आते हैं। तो जो घरेलू मुलाजिम होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स, वो पॉलिसी 2012 में चेंज हुई। चेंज उसमें ये आया कि उससे पहले डोमेस्टिक वर्कर्स आते थे एज़ फार एज़ दे आर वर्किंग इन एनी प्राइवेट होम या किसी हाउस होल्ड के साथ, तो 5 साल कम्प्लीट होने के बाद उनको यहाँ पर सेटलमेंट मिल जाती थी। शर्त उसकी ये थी, जब आने के लिए शर्त ये थी कि 1 साल से कम अज़ कम वो उस स्पॉन्सर के साथ जो ले के आ रहा उसके साथ काम कर रहे हो पाकिस्तान में या किसी भी जगह के ऊपर। अब जो चेंजेस आई हैं वो ये हैं कि अब सेटलमेंट नहीं रही,
अब आ सकता है डोमेस्टिक वर्कर, जिसको आप घरेलू मुलाजिम भी कहते हैं, आ सकता है, रह सकता है, उसको एक एक्सटेंशन मिल सकती है अप टू वन ईयर, उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेंगी, वापस जाना होगा उस कंट्री पाकिस्तान में या जहाँ से भी वो आया है, फिर दोबारा से वापस आएगा, इस तरह से आना जाना रहेगा, उससे सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, बार एंट्री क्लियरेंस का सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सेटलमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके साथ एक सवाल के रमज़ान में, क्योंकि भूख का भी एक जहन पर एक सवार होता है और अक्सर लोगों को लैक ऑफ क्लैरिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्या ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है या इसका भी कोई इलाज है? देखिए, जो लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर उसको मैं डिफाइन करूँ मेंटल फॉगिनेस के, कंसंट्रेशन ही सही हो रही होती, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी नींद का और खाने पीने का ना सारा सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। तो रमज़ान में खुद भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी अर्ली जाना होता है, कई दफ़ा एमरजेंसी में भी होता, तो आई ऑल्सो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी रूटीन्स को सही रखें। रमज़ान में क्या होता है कि हम लोग स्पेशली पाकिस्तान में और इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, 2 घंटे की स्लीप ली, उसके बाद खाना खाया और वो भी इस तरह खाया कि बस हमने उसको स्टोर करना है बहुत ज़्यादा, उसके बाद काम पे जाना होता है तो नींद नहीं पूरी होती और सारी स्लगनेस और लेजीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आई वुड सजेस्ट कि रूटीन अपनी को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि और साथ उसमें एक्सरसाइज और जो वॉक है उसको इम्प्लीमेंट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपकी कैलोरी ज़ाया नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं होती, वेदर एक्सरसाइज और वॉक करने से अच्छे हारमोन्स रिलीज होते हैं, बड़े अच्छे केमिकल्स और एनर्जी लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर आप हम पाकिस्तान को भी देखें, ओवरऑल हमारे पूरा सिनेरियो ऐसे होता है कि बस रमज़ान आ गया तो अब हमें कुछ नहीं करना, तो दिस इज इसकी वजह से जो स्लीप साइकिल है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही होती, उसकी वजह से मेंटल फॉगिनेस और कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन हो गया। और दूसरे हम लोगों को एक बहुत सारे हमारे दोस्त वगैरह और हम लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, वो भी हमारे सारे दिन में से कम हो जाती है, वो भी हमने सहरी के वक्त पी ली या अफ्तार के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और अल्लाह ने बॉडी में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी दी है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है जो भी आपको कंडीशन देते हैं। तो रमज़ान का मेन मकसद ये है कि मैं इसको अगर इंडिकेटर किसी के लिए भी कहूँ कि आपका जो वेट है, अगर आप उससे हैप्पी नहीं है तो 28 डेज बाद, 29 डेज बाद जब आप दोबारा वेट करेंगे, आपका वेट ना वाकई में कम होना चाहिए और आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए और आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको रमज़ान इट्स अ ग्रेट वे टू बिकम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग, तो इसको बड़ा अच्छी तरह। और यकीनन डॉक्टर साहब, जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में ही है और हमें रमज़ान में वो यकीनन फील भी होता है जब अल्लाह ताला के जिक्र में और आप नेक नीयत से इबादत करते हैं, तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सुकून है, इत्मीनान है दिल का, वो अल्लाह के जिक्र में है। आपके ऑस्ट्रेलिया में रोज़ा जो है वो कितना लंबा है, और क्योंकि हम निस रमज़ान के करीब हैं और रमज़ान का बस इख्तिताम भी पता भी नहीं चलेगा तो एंड के दिन आ जाएंगे, तो क्या इतकाफ का इंतज़ाम होता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? हाँ जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में इतकाफ का ये तो स्पेशली ये मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन और जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनमें तो बहुत बड़ी मस्जिद भी हैं और बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी भी है, जो पाकिस्तानी भी है, इंडियंस भी है, बांग्लादेशी भी हैं, टर्किश भी हैं, लेबनीस भी हैं, वो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, अवेलेबल है। जो बाकी छोटे सिटीज़ हैं सब में मस्जिद तो बनी हुई हैं और इतकाफ का भी होता है। लास्ट ईयर मैं खुद भी इतकाफ बैठा था और वो बहुत अच्छा सिस्टम है और लोग उसको बड़े शौक से करते हैं और उसमें अच्छा ये होता है कि आपको बहुत सारे दूसरे कल्चर्स के लोग भी मिलते हैं और आपको इंट्रैक्शन और आइडियाज एक्सचेंज करने और देखना कि जब वो फूड लेके आते हैं अफ्तारी के टाइम पे तो बड़ी अच्छी, मैंने तो बहुत अच्छी फूड भी इंजॉय किए हैं जो डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए। और बेसिकली मकसद भी ये है कि इसमें मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता हूँ कि आपको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें ही रहना, हम मुस्लिम हैं, हमें दूसरे लोगों के साथ भी मिलना चाहिए और उनके कल्चर से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
और बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम होने के साथ साथ एक पाकिस्तानी की वजह से भी हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ताकि हम जब एज ए मुस्लिम रिकग्नाइज होते हैं दुनिया में तो हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम लोग हमें और एक नेचुरली, क्योंकि इस्लामोफोबिया का भी एक कॉन्सेप्ट हर जगह स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, तो इस्लामोफोबिया की वजह से भी हमें एक बेहतरीन जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है उसके ऊपर चल के दिखाना चाहिए, एग्जांपल बनना चाहिए कि लोग देखें कि एक्चुअली मुसलमान को कैसा होना चाहिए, क्या है मुसलमान इस्लाम। शनाज़ आपकी तरफ बढ़ते हैं, शनाज़ आप एक तो कुकिंग जी 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 मैं बस एक लास्ट ईयर जो मैंने अपना इतकाफ का जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक ऑस्ट्रेलियन लड़की जो है वो मुस्लिम हुई और उसके बाद जिसको वो पसंद करती थी, जिसे वो शादी करना चाहती थी, उसको भी लेके आए। वो पुलिस में था और उसने आके पहले समझा और उसको बुक्स दी और फिर उसने भी इस्लाम कबूल किया, फिर उन्होंने शादी भी की। मैंने तो एक ज़बरदस्ती देखा नहीं, इस्लाम का एक पैगाम है जो आगे पहुंचता है, वो इसी तरीके से पहुंचता है, वो आप लोगों को एग्जांपल बन के दिखाते हैं और वो अट्रैक्ट करता है। और शनाज़ से आपकी तरफ जाते हैं, मेरा ख्याल है कुकिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट होने के करीब करीब है या हो गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुझे जी। मेरा दम हो गए चावल तो मैं उसको डिश आउट करती हूँ, ढक्कन गर्म है। आपकी कुकिंग से मुझे ये परेशानी हो रही है कि मेरे अगले 6-7 घंटे कैसे गुजरें। 6-7 घंटे सब्र, रमजान हमें सब्र भी सिखाता है। सब्र का प्रॉपर इम्तिहान है जी, सब्र का प्रॉपर इम्तिहान है, सब्र करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े धुएं पुलाव बनते-बनते ये बिरयानी बन गई नजर आ रही है आपको, और इसकी शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी टेम्प्टिंग है, जबरदस्त। देखें ये पुलाव बनते बनते बिरयानी बन गई है। अब ऐसे ही देखें, अब इसको आप लोग इसे खाएं, रायते के साथ खाएं। मैंने रायता का ये अच्छा, तो ये इसके साथ मुझे, मेरी वालदा जो है वो अक्सर पुलाव के साथ शामी कबाब, ये मैंने लाई हूँ, शामी कबाब मैंने फ्राई किए हैं। अच्छा, बस यहाँ फ्राइंग पैन की वजह से स्टक हो रहे थे, सही नहीं तरह गए, तो उसके साथ ही करें। लेकिन शामी कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ज़रूर मैं बताऊँगी आप लोगों को। कई लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि आप हमें कबाब की रेसिपी बताएं। अच्छा, जो हमारी यंग खवातीन हैं उनको आप क्या रेसिपीज सजेस्ट करेंगे, किस तरह की रेसिपीज़ जो उनके लिए, क्योंकि ये तो मुझे यकीन है मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरी मिसेज भी है या जो खवातीन है यंग, वो उल्लू तो बहुत अच्छा बना लेती है, लेकिन और क्या चीज़ें अच्छी बना लेती हैं, आपका क्या ख्याल है? यंग लड़कियाँ जो है ना वो इस टाइप की सिंपल ईजी चीज़ें पहले बनाएं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। और क्या ना 2 मिनट तो फिनिश रह गया है, तो इसको मैं थोड़ी सी डिश आउट करती हूँ। चलें, बिल्कुल ज़बरदस्त। शनाज़ आपा की जो कुकिंग है वो तो आप देख ही रहे हैं कि उसके धुएं भी जुड़ रहे हैं और जिसकी शक्ल भी है वो बड़ी ही टेम्पिंग है। तो बैरिस्टर साहब के पास दोबारा आते हैं। सर, जो पाकिस्तान के जो रमज़ान है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि एक खूबसूरत माहौल बना होता है, अजान की आवाज़ और तरावियों का इंतज़ाम, और एक मुझे याद आ गया बल्कि इत्तफाकन के वो रात को वो ढोल वाले आते थे जो शहरी में उठाने के लिए, तो आपका भी कुछ तरह का इत्तफाक हुआ? बिल्कुल जी, डेफिनेटली। बल्कि क्रिकेट जो है वो रात को खेली जाती है, वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना पेरेंट्स इतनी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थोड़ा वो, क्योंकि वो सारे सब जाग रहे होते हैं, ख़वातीन भी, बच्चे भी, बड़े भी, तो क्रिकेट भी हो रही होती है। ढोल वाला आपने बड़ा सही बात की, अभी थोड़ा कम ट्रेडिशन हो गया, ट्रेडिशन था कि ढोल वाला आता था और वो सारे जो महलों में घूमना, और उससे फिर वो ख़वातीन उससे उठती थी, अब इसलिए उनको प्रिपरेशन करना पड़ती हैं, उनको 1-2 घंटा पहले उठती हैं, खाना तैयार करेंगी तो फिर सब रोज़ा रखेंगे, तो एक वो एक अलग सही माहौल होता है। फिर उसके बाद जब टाइम इफ्तारी का आता है तो सब वेट कर रहे होते हैं, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जो हर चीज़ पड़ी और उसको टच नहीं कर पा रहे चूँकि वो रिसेशन रोज़े की वजह से। फिर जिस वक्त एक वो एनर्जी लेवल कम होता है आफ्टरनून में, तो एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, सब इकट्ठे बैठे होते हैं, वो बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त एक होता है। बिल्कुल, रमज़ान का जो पाकिस्तान का एक जो मज़ा है वो तो बिल्कुल यूनिक है। मुझे याद है कि हम जब छोटे होते थे तो वो ढोल वाले आते थे और शहरी में सबको उठाने का इंतज़ाम होता था, सारी फैमिली इकट्ठी होती थी और गहमा गहमा होती थी। तो इंशाल्लाह रमज़ान का ऐसा सिलसिला जारी रहेगा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।
mm-hmm.